घोसी का फैसला बड़ा हौसला। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। वामपंथियों ने भी अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को देने का ऐलान किया। वहीं अपना दल कमेरावादी आदि छोटी पार्टियां भी समाजवादी पार्टी के लिए खुलकर प्रचार कर रही थी। घोसी उपचुनाव को इंडिया बनाम एनडीए का संघर्ष मान लिया गया, लिहाजा बाजी पलट गई है और बीजेपी के दारा सिंह को सपा के सुधाकर सिंह से मात खानी पड़ी। देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार में दारा सिंह कैबिनेट मंत्री थे और उनके पास वन एवं पर्यावरण जैसा महत्वपूर्ण विभाग था, लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार न बनने से निराश दारा सिंह फिर बीजेपी में आ गए। उन्हें बीजेपी ने घोसी से टिकट दे दिया। दरअसल यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि दारा सिंह के समर्थक आम जनता को यह पता ही नहीं चल पाया कि कब वह समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ गए। कहा जा रहा है कि बीजेपी को उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहिए था ताकि कुछ दिन बीजेपी के झंडा बैनर लगाकर उन्हें क्षेत्र में घूमने फिरने का मौका मिल गया होता। आपको बता दें कि 2009 में दारा सिंह ने बीएसपी से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे, लेकिन 2014 में बसपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचने से वंचित रह गए। आखिर सियासी रुख भांपने में माहिर दारा सिंह ने 2015 में भाजपा ज्वाइन करी। 2017 के चुनाव में पार्टी ने मधुबन विधानसभा से टिकट दिया और विधायक ही नहीं मंत्री भी बने। हालांकि उनसे 2022 में सियासी तापमान भापने में गलती हो गई। वो समाजवादी पार्टी से विधायक तो बन गए लेकिन मंत्री बनने से रह गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अपना कैंडिडेट एक मुस्लिम प्रत्याशी अब्बास अंसारी को खड़ा किया था, जिन्हें करीब 81,000 वोट मिले थे। इस बार उपचुनाव में मुस्लिम वोट बांटने के चांस ही नहीं थे, क्योंकि किसी भी दल ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा ही नहीं था। समझा जाता है कि मुस्लिम वोट एक मुस्त समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को मिले हैं। नगर विकास एवं बिजली जैसे महकमे को संभाल रहे अरविंद शर्मा से नाराजगी भी बीजेपी को वोट न मिलने का कारण बताया जा रहा है। आईएएस से नेता बने अरविंद शर्मा भूमिहार बिरादरी से आते हैं और मऊ जिला ही उनका होम टाउन है। अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध अरविंद शर्मा इसी के चलते कभी नरेंद्र मोदी के बहुत प्रिय रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद के चलते अरविंद शर्मा की एंट्री भी राजनीति में हुई थी। कि सरकार के मंत्री वोट नहीं दिला सकते हैं। एक नारा ना, जनता जिसके साथ है जीत उसी के हाथ है। जनता अखिलेश जी के साथ है, जनता गरीब किसान नौजवान सुधाकर के साथ था। ये घोसी के मतदाताओं ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने सिद्ध किया है कि जनता जो चाहे वही होगी। घोसी की जीत, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और दिल्ली चुनाव आने दीजिए। जो इंडिया गठबंधन बना इससे पहले दिन से लोग घबरा गए हैं, घरवाहट का रोज उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं अखिलेश जी को बधाई दूंगा कि जिस गठबंधन को उन्होंने बनाया है उसकी जीत की शुरुआत उत्तर प्रदेश घोसी से अखिलेश जी ने कर दी है। आपको बता दें कि इस बार के उपचुनाव में अखिलेश यादव सक्रिय रहे तो मुख्यमंत्री योगी ने अंतिम समय में मोर्चा संभाला। इससे पहले उल्टा होता था, बीजेपी की पूरी मशीनरी उपचुनाव में लगी होती थी और अखिलेश यादव नदारद रहते थे। बहरहाल रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद अखिलेश ने इस बार घोसी उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। अखिलेश ही नहीं, उनके चाचा शिवपाल भी क्षेत्र में लगातार डटे रहे। आम तौर पर समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चलते यूपी के ठाकुर वोट पूरी तरह से बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए हैं। कहा जा रहा है घोसी उपचुनाव में स्थानीय फैक्टर चलते ठाकुर वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हो सके हैं। दरअसल सुधाकर सिंह लोकल घोसी विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जबकि दारा सिंह चौहान पड़ोस की मधुबन विधानसभा के रहने वाले हैं। इसके साथ ही गोरखपुर आसपास के जिले में यह बात बहुत पहले से होती आ रही है कि योगी आदित्यनाथ दारा सिंह चौहान ओम प्रकाश राज पर दोनों को पसंद नहीं करते। ऐसी चर्चा आम रही है कि योगी इन दोनों नेताओं की बीजेपी में एंट्री चाहते ही नहीं थे। वहीं बीएसपी कैंडिडेट का न होना भी समाजवादी पार्टी की बढ़त में सहायक बने। दलित वोट अंतिम समय तक कंफ्यूज रहे कि किसे वोट देना है।
चुनाव के अंतिम समय में मायावती का केंद्र सरकार पर हमलावर रवैया भी यह संदेश दे गया कि बीजेपी को वोट देना जरूरी नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।